बार किया जाता है आचमन। सदैव पूजन से पहले 3 बार आचमन किया जाता है, जो कर्म कांड की सबसे जरूरी विधि मानी गई है। आचमन केवल कोई प्रक्रिया नहीं है, यह हमारी बाहरी और भीतरी शुद्धता का प्रतीक है। जब हम हाथ में जल लेकर उसका आचमन करते हैं तो वो हमारे मुंह से गले की ओर जाता है। ये पानी इतना थोड़ा होता है कि सीधे आंतों तक नहीं पहुंच पाता, हमारे दिल के पास स्थित ज्ञान चक्र तक ही पहुंच पाता है और फिर इसकी गति धीमी पड़ जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम वचन और विचार दोनों से शुद्ध हो गए हैं और हमारी मन स्थिति पूजा के लायक हो गई है। फिर खुद के ऊपर जल छिड़का जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि हम पूजा के लिए दैहिक और काम दोनों रूपों में भी शुद्ध हो गए हैं।